नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में पुरानी तहसील चौक स्थित राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क तक सांकेतिक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि श्रीराम के प्रति प्रत्येक देशवासी की आस्था है, लेकिन भाजपा श्रीराम का भी राजनीतिकरण कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ राज्य सरकार छलावा करती है और सैकड़ों संघर्षरत संगठन और नौजवान जो अपनी आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप भी अपने परिवार की सेहत के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो हल्द्वानी के गोलापार स्थित वेदश्री लाया है आपके लिए शुद्ध तेल। वेदश्री में हमारी कोशिश है आपको मिले शुद्ध तेल। हमारे पास सरसों, नारियल, तिल, बादाम, अलसी समेत कई तरह के तेल मौजूद हैं। रखें अपने परिवार की सेहत का ख्याल, जुड़े वेदश्री के साथ। उनको गांधी पार्क जैसे सार्वजनिक स्थल से दूर धकेल दिया गया है, जो एकता विहार के एक कोने में अपना रोना रोने के लिए मजबूर हैं, ताकि उनसे दुखड़े कोई न सुन सके। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 200 सीटों के आंकड़ों को भी नहीं छुपाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 200 युवक हाईकोर्ट की चौखट पर अपनी आजीविका की रक्षा के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में न जाने कितने और संघर्षरत भाई बहन हैं जो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि आज प्रदेश की बेरोजगारी दर 8.8% हो चुकी है और प्रदेश के सेवा नियोजन कार्यालय में साल 2022 में 8,82,000 से अधिक बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं, जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।